الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء الكرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ان دو آیاتوں میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی زبان پر یہ بات رہنی چاہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری حج کی عبادات اور میری زندگی اور میری موت سب صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی ساتھی اور ہمسر اور شریک نہیں. وبذلک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نمبر ایک درجے کا تابعدار ہوں. یہ جملے اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کہلوا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے فرمائیے. جو بات ان جملوں میں کہی گئی ہے اس پر تو بلا شبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی باتوں کو پھیلانے میں، بتانے میں، سمجھانے میں اور خود عمل کرنے میں گزری. کوئی شبہ نہیں ہو سکتا پیغمبر علیہ السلام کے خلوص میں اور آپ کے حسن عمل میں، لیکن آپ کی زبان سے
कहलवाकर अल्लाह तबारक व तआला दरअसल हमें तालीम देना चाहते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही कहना चाहिए और इस पर तुम्हारा अमल होना चाहिए। ये तुम्हारी नमाज, तुम्हारी इबादत, तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारा हज, तुम्हारा उमरा और अलगरज तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत, वो सब अपने खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन के की रजामंदी और खुशनूदी के मुताबिक गुजरे, ये जुबान से भी कहो और इसके मुताबिक तुम्हारा अमल भी होना चाहिए। नमाज अल्लाह के लिए कब होगी? जब नमाज नमाज के तरीके पर पढ़ी जाएगी, पाबंदी से पढ़ी जाएगी, वक्त पर पढ़ी जाएगी, सुनन और आदाब की रियायत के साथ पढ़ी जाएगी, तादील अरकान के साथ पढ़ी जाएगी, अच्छी तरह तहारत हासिल करके पढ़ी जाएगी, खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाएगी। ये नमाज दरअसल अल्लाह के लिए होगी, ये नहीं कि डंडेदार नमाज पढ़िए, पढ़ी ना पढ़ी, जब जी में आया पढ़ ली, नहीं जी में आया ना पढ़ी, या अगर पढ़ी भी तो बेगार टाल दी, सारी जल्दबाजी नमाज ही में रह गई। इमाम साहब अगर जरा सा देर कर दे तो नागवारी होने लगे, ये मिजाज हमारा बन जाए तो गोया हम इबादात में भी मनमानी करने वाले बन जाएंगे। अल्लाह ताला इस आयत के जरिए हमें पैगाम देना चाहते हैं कि नमाज वो पढ़ो जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो। नमाज इस तरह पढ़ो जैसी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, जिस तरह आपने तालीम दी उसको भी सीखा जाए। ये नहीं कि बस दूसरों की देखा देखी पढ़ो, नमाज को भी सीखना चाहिए। हाथ कैसे उठाना है, नियत कैसे बांधनी है, फिरात कैसे करनी है, रुकों में किस तरह झुकना है, सजदे में कैसे जाना है, सजदे से कैसे उठना है, इसके लिए भी मश्क की और तमरीन की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके पर हमारी दीगर इबादत अल्लाह की रजा के लिए हो, बंदों की रजा, बंदों की खुशनूदी, ये पेश नजर न हो। खास तौर पर हज और उमरा, आजकल अल्लाह ने वसअतें दी हैं तो लोग बकसरत हरमैन शरीफैन जाने लग रहे हैं। और जब जाने लगते हैं, किसी का नाम हज में आ जाए हज में जाने के लिए, तो इसकी फिक्र नहीं होती कि हज के मसाइल जान लें, किस तरह अरकान अदा करने हैं उसकी जरा मश कर लें, बल्कि दावतें शुरू हो जाती और मुबारकबादियां होने लगती है। हाजी साहब जाने से पहले ही हाजी बन जाते हैं और साहिबा जो है वो हज्जन बन जाती,
और जब जाने का दिन आता है तो पूरी पूरी बारात मर्द औरत सब जा रहे हैं एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए। हज के जमाने में आप जाइए एयरपोर्ट, लगता है मेला लगा हुआ है, बन ठन के लड़कियां और औरतें बेमहारा एक अच्छा काम समझ करके लोग जा रहे हैं। हाजी साहब के बड़े खुशी में फूले नहीं समा रहे, फूलों से लाद दिया जा रहा है। हालांकि हज वो इबादत है मेरे भाइयों, ज़रूर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज का एहराम बांधा और आपने नियत फरमाई तो आपकी जुबान पर जो जुमले आए वो क्या थे? अल्लाहुम्मा हज्जन ला रिया फीही वला सुमता। हे अल्लाह, मैं ऐसे हज का इरादा कर रहा हूँ जिसमें न कोई रियाकारी हो न कोई शोहरत हो। और आज ये इबादत सराबा रियाकारी और शोहरतों से भर दी गई। और जो लोग हज और उमरे को जा रहे हैं एयरपोर्ट पर भी वीडियो बन रही है, हत्ता के बैतुल्ला शरीफ में पहुंचकर तवाफ कर रहे हैं तो ऑनलाइन तवाफ हो रहा है। तवाफ की फिक्र नहीं है कि सही तरह से तवाफ हो जाए, सेल्फी बनाने की फिक्र है। हर जगह ये वबा फैली है। अल्लाह ताला हमें मुतनब्बे फरमा रहे हैं, तुम्हारे नुसुख तुम्हारी इबादत लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के लिए होनी चाहिए, रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ उसके दरबार में हाजिरी होनी चाहिए। ये टीप टाप, ये खेल तमाशे, ये सारी बातें अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरीके पर जिंदगी का हर शोभा वह मखियाया व ममाती। एक मुसलमान की जिंदगी चाहे घरेलू जिंदगी हो या बाहर की जिंदगी हो, मामलात हो, अखलाक हो, मुआशरत हो, वो सब इस तरह गुजरनी चाहिए जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने गुजारने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया घर की औरतों के साथ बेहतरीन बर्ताव करने का। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वाशिरूहुन्न बिलमारूफ, और अपनी बीवियों के साथ मारूफ तरीके पर रहन सहन अख्तियार करो, उसके दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ, उसको अजियत मत दो, उसकी हिफाजत और तहकीर का मामला उसके साथ न करो, दिलदारी के साथ उसे रखो। यह भी दीन का हिस्सा है। वो जो बीवी तुम्हारे अकद में आई है यह भी किसी की लफ्ज जिगर है, नूर नजर है, इसने भी अपने माँ बाप और बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ जिंदगी का एक हिस्सा बड़े प्यार में और नाज में गुजारा है। आज उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, अपने माँ बाप को छोड़कर वो तुम्हारे घर में रहने के लिए आई है, बहन भाइयों को छोड़कर के आई है, रिश्तेदारों को छोड़ करके आई है, अपने वतन को छोड़ करके आई है, गांव और शहर को छोड़ कर
बात पे ताना दे रहे हो कि उसके माँ बाप ने तुम्हारे मुतालबे के मुताबिक जहेज नहीं दिया, इस बात पर उस बिचारी को ताना दिया जा रहा है और उसके दिल को अजियत पहुंचाई जा रही है। ये अजियत पहुंचाने वाले लोग दुनिया के सबसे जलील और कमीने लोग, इनके अंदर इंसानियत नहीं है। ये इस्लाम का नाम तो लेने वाले हैं लेकिन इस्लाम के तकाजों पर अमल करने वाले नहीं। आशिरूहुन्न बिलमारूफ, तुम्हें तो चाहिए था कि तुम उसके साथ हुस्न मामला करते। अगर माँ बाप माली एतबार से कमजोर हैं तो तुम्हारे दिल में तो और हमदर्दी होनी चाहिए थी। यह नहीं कि उन बेचारों की कमजोरी का बहाना बनाकर इस बच्ची को तकलीफ पहुंचाई जाए, ये निहायत जलालत और छिछोरेपन की बात। आज हमें अपने मुआशरे का जायजा लेना है कि हमने निकाह को कितना मुश्किल बना दिया, कैसी कैसी रसूमात, कैसी कैसी फजूल खर्चियां, किस तरीके पर हरकतें, नाजायज हरकतें निकाह की तकरीब के साथ लगा लिए हैं कि अलमान और अलहफीज कहना पड़ता है। बेचारे गरीब आदमी के लिए अपनी हुनरमंद बच्ची के हाथ लाल करना जिंदगी का इंतहाई मुश्किल मरहला बन गया है। ये बात सोचने की है। जैसा कि अभी हजरत खालिद साहब अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहे थे और बात बिल्कुल बजा थी कि सिर्फ जलसों में, इज्तिमाआत में अच्छे और नेक लोगों से निकाह पढ़वाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन तमाम खुराफात, रसूमात, फजूलियात से बच करके ये तकरीबात अंजाम देनी है, तभी मुआशरे में सुकून आ सकता है। तो ये जो जुमला है, वमहया वममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत जामे तरीन जुमला है। जिंदगी के तमाम शोबों को शामिल है, क्या माशरत, क्या मामलात, क्या इबादात, क्या अखलाक, उन सब में अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिदायत को और शरीयत की रहनुमाई को सामने रख करके हमें जिंदगी गुजारनी है। ये बात ताकीद के साथ इस आयत मुबारका में पूरी उम्मत से कही जा रही है और यही मकसद है इन जलसों का, ताकि आपको याद दहानी कराई जाए, भूला हुआ सबक याद दिलाया जाए कि मुसलमान सही माना में मुसलमान बन जाए। जैसे उसकी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, इसी तरह जिंदगी के अंदर भी इसकी झलक नजर आए। हम तर्जमा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, लेकिन हमारे बार बुजुर्गों ने इसका तर्जमा किया है नहीं है कोई हाकिम सिवाय अल्लाह के, क्योंकि माबूद के लिए हाकिमियत लाजिम है। जो माबूद है वही हाकिम हकीकी है, जिसने हमें पैदा किया
जो हमारा खालिक और मालिक है उसकी बात मानना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके मुकाबले में किसी की बात चलने वाली नहीं। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लताअत लिमखलूक फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में दुनिया के किसी बड़े से बड़े आदमी की बात भी मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हजार मरतबा सिर्फ कह गए अल्लाह ही का पाबंद है, अल्लाह ही के अहकाम का पाबंद है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जुमले से भी ये बात मालूम होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला और बंदों के दरमियान में वास्ते की हैसियत रखते हैं। आपका फरमान दरअसल अल्लाह ही का फरमान है, मैं यदि रसूल फकत अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो दरअसल अल्लाह ही की इताअत करता है। तो हमें अल्लाह ने इस्लाम की दौलत से नवाजा तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च न हो बल्कि जिंदगी इस्लाम के अहकाम के मुताबिक गुजरे। ला शरीक ला, रब्बुल आलमीन वो है जिसका कोई साजी नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई नजीर नहीं, कोई वसील नहीं। वो भी दाले का उमिर तो वाना अव्वल मुस्लिमीन, पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहलाया जा रहा है। आप परमला कह दीजिए कि मुझे अल्लाह की तरफ से इन्हीं बातों का हुक्म दिया गया है और मैं ताबेदारों में नंबर एक दर्जे का ताबेदार हूं, अना अव्वलुल मुस्लिमीन। इस्लाम का मतलब है ताबेदारी, फरमा बरदारी। अकल माने या ना माने, दिल चाहे या ना चाहे, अल्लाह के हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर देना और पैगंबर अलैहिस्सलाम की हिदायत के सामने जिंदगी को उसके रंग में रंग देना, यही इस्लाम का तकाजा है। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, हर आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी जिंदगी का जायजा ले और सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक 100% इस्लामी जिंदगी गुजारने की फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन इस्लाम पर जिंदगी और दीन इस्लामी पर मौत अता फरमाए और हमारी नस्लों को भी इस्लाम पर साबित कदम रखे। अभी हजरत कारी साहब ने तवज्जो दिलाई कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं ये इनका दिल साफ है, दिल की तख्ती पर अगर इस्लाम, इस्लामी तालीमात, इस्लामी अहकामात, कुरान करीम की बातें, सीरत की बातें, सही अकीदे की बातें लिख दी जाएंगी, इनको इस्लामी तरबियत में परवान चढ़ाया जाएगा तो इंशाल्लाह ये मरते दम तक दीन पर कायम रहे, इनकी जिंदगी दीन पर गुजरे, किसी भी मनफी और जहरीली हवाओं से ये मुतासिर नहीं होंगे। लेकिन अगर इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए और इनकी फिक्र न की जाए तो कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि ये ईमान पर बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज हमारे स्कूलों का क्या हाल है, उनमें पढ़ाने वाले कौन है, पढ़ाने वालियां कौन है, उनका निसाब क्या है,
ये छोटे छोटे बच्चे अगर उसी माहौल में पले और बढ़ेंगे तो वही बातें उनके दिल में बैठ जाएंगी। इसलिए अगर आप स्कूल भेज भी रहे हैं तो साथ में एक घंटा सुबह या शाम उन बच्चों और बच्चियों को मकतब और मदरसे में भी भेजिए, ताकि ये मुसलमान का बच्चा और मुसलमान की बच्ची इस्लाम पर कायम रह सके और जहरीली हवाओं से महफूज रह सके। ये हमारे लिए फर्ज के दर्जे की चीज है, ये जिसके बारे में पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इस दर्जे में इल्म सीखना जो इस्लाम पर सबात पदवी के लिए जरूरी है, हर मुसलमान पर लाजिम है, फर्ज है। अल्लाह ताला हम सबको इस फर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और हमें और हमारी नस्लों को हर किस्म की गुमराही से, जल्लात से, जुलुमात से महफूज रखें। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व ज़ुर्रियातिही अजमईन।